हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन ट्यूटोरियल सीरीज। सो दोस्तों, ये हमारी सीरीज का सबसे पहला वीडियो है और मैं आप लोगों के साथ इसमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बोलूंगा कि अगर आपने मेरा कोर्स इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो यार उस वीडियो को आप जरूर जाके देखिए। इससे पहले वाला वीडियो है वो, और उसमें मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए हैं, कुछ प्रीरिक्विजिट बताया है इस सीरीज के लिए। तो अगर आप वो सब चीजें पहले से जानोगे तो यार आप लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यार मुझे पता है कि आप लोग काफी इंटरेस्टेड हो इमेज प्रोसेसिंग में और कंप्यूटर विजन में। तो यार ये इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कंप्यूटर विजन क्या होता है, इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है और ये ओपन सीवी क्या है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइस। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सब कुछ एकदम बेसिक से बताना चाहता हूं, और उसका रीजन ये है कि अगर कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का इंडिविजुअल भी इस सीरीज को देख रहा है और वो इंटरेस्टेड है यार ये सब चीजें सीखने के लिए, तो उसे भी समझ में आना चाहिए। तो जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आप सबसे, वो ये है कि एक इमेज क्या होती है। आप सबको पता है तो वीडियो पॉज करके यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आई होप आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि इमेज क्या होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यू ऑल आर राइट। इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पिक्सल क्या है। तो पिक्सल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि एक कलर को कंटेन करती है, और इन्हीं मल्टीपल पिक्सल्स की हेल्प से मेरी एक बहुत अच्छी सी इमेज बनती है। अगर आप एक परफेक्ट इमेज बनाना चाहते हो तो पिक्सल पर इंच में डिफाइन होता है कि एक इंच इमेज में कितने पिक्सल्स होने चाहिए। तो मिनिमम जो बताया गया है कि एक अच्छी इमेज को बनाने के लिए एक इंच में 300 पिक्सल तो मिनिमम होने चाहिए, तब आपकी एक अच्छी इमेज बन जाती है। और उसी तरीके से एक अब आपकी एक इमेज है तो वो एक इंच की तो होगी नहीं, वो तो बहुत बड़ी होती है, तो उसमें कितने सारे पिक्सल वैल्यूज होती है। तो इतनी डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स की हेल्प से आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस कि ये इमेज क्या होती है, पिक्सल पर इंच क्या होता है, पीपीआई बोलते हैं हम इसे, कि पीपीआई में आपकी इमेज को हम मेजर करते हैं। तो आई होप यू ऑल गॉट दिस कि इमेज क्या होती है। अब गाइस अगर हम इमेज से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आती है, वीडियोस। और ये सारी सारी चीजें मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि इस सीरीज में मैं आपके साथ वीडियोस और इमेज पे ही काम करूंगा। और जो वीडियोस होती है गाइस वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इमेजेस। तो देखो, वीडियो इज द कलेक्शन ऑफ इमेजेस एंड इमेजेस इज द कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। तो हमने स्टार्ट कहां से करा था, पिक्सल से स्टार्ट करा था, फिर हमने इमेजेस के बारे में जाना और फिर वीडियोस के बारे में जाना। तो आई होप आपको ये सिनेरियो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, इमेज प्रोसेसिंग की। मैंने आपको ये बता दिया कि इमेज क्या होती है, पिक्सल्स क्या होते हैं और आपका वीडियो क्या होती है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इमेज प्रोसेसिंग एग्जैक्टली है क्या। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाना चाहूँ तो आप लोग फोटो एडिट करते हो अपनी, आप कभी उसे ब्लर कर देते हो, कभी उसके कलर शार्प कर देते हो, कभी उसे ब्राइटनेस उसकी बढ़ा देते हो, कभी उसमें से नॉइस रिड्यूस कर देते हो। तो ये सारे के सारे जो भी ऑपरेशन है गाइस, इसी को कहा जाता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। हम एक एल्गोरिदम की हेल्प से या फिर हम अपने कंप्यूटर की हेल्प से कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म कराते हैं अपनी इमेज पे जो कि वो मैनिपुलेट हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है इमेज प्रोसेसिंग या फिर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा कि इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है। तो नॉर्मली हम इमेज को प्रोसेस इसलिए करते हैं, अब मैं इमेज एडिट का एग्जाम्पल तो मैंने बस आप लोगों को इसलिए दे दिया कि आप लोग उसे रिलेट कर सको या फिर समझ सको। तो नॉर्मली हम इमेज को इसलिए प्रोसेस करते हैं कि हम उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन गेट कर सकें, आइदर उसमें से कितनी नॉइज है, हम उस नॉइज को रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम उस इमेज को इनहेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम किस में करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग में करते हैं। और फिर उसके बाद आता है गाइस कंप्यूटर विजन, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अभी कंप्यूटर विजन क्या है, कंप्यूटर विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट है। अब अगर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे समझाता हूं कि अगर आप लोग कोई भी चीज देखते हो तो आपको वो मेमोराइज हो जाती है, आपने किसी का फेस देखा तो वो आपको मेमोराइज हो गया, आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा तो आपको वो मेमोराइज हो गया कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। और आप ये सब कैसे कर पा रहे हो, अपने माइंड की हेल्प से, बिकॉज आपके पास ब्रेन है, वो ब्रेन जब प्रोसेस हो रहा है तो वो आपको बता रहा है कि ये आपका फ्रेंड है, आप इसे पहचानते हो, ये एक अननोन इंडिविजुअल है, या फिर ये कार है, या फिर ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी की सारी चीजें कौन कर रहा है, आपका ब्रेन कर रहा है। तो आपको जब अपने ब्रेन जैसा टास्क अपने मशीन से, अपने कंप्यूटर से काम करवाना पड़ेगा तो उसके लिए आप किसकी हेल्प लोगे, कंप्यूटर विजन की हेल्प लोगे। तो कंप्यूटर विजन एक वो सब पार्ट है एआई का जिसमें आप अपनी इमेज
इमेजेस की हेल्प से, अपनी वीडियोस की हेल्प से अपनी एल्गोरिथम्स को लर्न कराते हो कि कौन सी चीज क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई रिकॉग्नाइजेशन है या फिर आपका सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो ये सारी की सारी चीजें जो कि इमेजेस पे आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं, आपकी एल्गोरिथम लर्न कर रही है, आपका जो एआई मॉडल है वो लर्न कर रहा है इमेजेस की बेसिस पे, ये सारा का सारा चीज आता है आपका कंप्यूटर विजन के इंटरनल। सो गाइस, अगर मैं आप लोगों को इसके कुछ एग्जांपल्स देना चाहूं तो वो ये होंगे कि जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, या फिर आप बात कर सकते हो गूगल लेंस की। जैसे कि आप देख रहा होगा कि अगर आप गूगल लेंस में किसी भी चीज को स्कैन करो तो उसी की जैसे चीजें आपको रिकमेंड करना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर दैट अगर आप फेसबुक की बात करो तो फेसबुक में जब भी आप कोई फोटो अपलोड करते हो तो उस फोटो में वो आपके फ्रेंड्स को अपने आप से ही टैग कर लेता है। तो ये सारी की सारी हमारे एग्जाम्पल्स है कंप्यूटर विजन के। और अगर मैं आपको और भी बेसिक्स एग्जाम्पल देना चाहूँ तो यार आपके मोबाइल का फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, जिससे आप अपने फोन को अनलॉक करते हो, तो वो भी आपके किसका कंप्यूटर विजन का ही पार्ट है। अब अगर आप लोगों को कंप्यूटर विजन या इमेज प्रोसेसिंग सीखना है तो आप कैसे सीखोगे, तो इसमें आपकी हेल्प करती है एक लाइब्रेरी जिसका नाम है OpenCV। ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कि कंप्यूटर विजन को सपोर्ट करती है, और इस लाइब्रेरी को बनाया था इंटेल ने, और ये लाइब्रेरी रियल टाइम कंप्यूटर विजन के फंक्शनैलिटीज को सपोर्ट करती है। बेसिकली ये लाइब्रेरी क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करती है, ये मैक के साथ, विंडोज के साथ एंड लिनक्स के साथ, किसी के भी साथ इजीली ऑपरेट हो सकती है। इसे आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। लैंग्वेज सपोर्ट इसके पास सी का भी है, C++ का भी है और पाइथन का तो है ही है। तो हम इसे पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। OpenCV से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं वो सारी की सारी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस कंप्लीट सीरीज में। इस लाइब्रेरी की हेल्प से आप लोग अपनी इमेज पे ऑपरेशंस कर सकते हो, उसे मैनिपुलेट करा सकते हो। बट फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जब आप एक इमेज को रीड करते हो उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए, तो वो किस वे में रीड होती है। तो बेसिकली अगर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा तो जैसे कि आप लोगों को जो एक इमेज दिख रही है मेरे कंप्यूटर को, वो एक मैट्रिक्स दिखती है। किसकी मैट्रिक्स? आपके पिक्सल्स वैल्यू की मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था PPI, पिक्सल्स पर इंच, कि एक इंच ऑफ इमेजेस में आपके कितने पिक्सल्स हैं। तो जो भी उन पिक्सल्स की वैल्यूज होगी वो एक एरे में या फिर एक मैट्रिक्स में स्टोर होगी, और वो मैट्रिक्स कौन हैंडल करता है? आपका NumPy लाइब्रेरी। तो बेसिकली आपको NumPy लाइब्रेरी की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं आती है तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, बिकॉज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस पूरी सीरीज में कि आपको कौन सा एरे कहां पे यूज करना है या फिर आपका कौन सा मैट्रिक्स आप कैसे यूज करोगे। तो आप लोग इसका बिल्कुल टेंशन, मतलब आप लोगों को कहीं जाके NumPy सीखने की जरूरत नहीं है। आपको मैं जहां पर रिक्वायरमेंट होगी मैं खुद बता दूंगा कि यहां पर आपका एक एरे यूज हो रहा है और इस पर आप कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हो। तो आप अपने टू डायमेंशनल एरे में अपने पिक्सल्स की वैल्यूज को स्टोर करोगे, जो भी इमेज आपकी रीड होगी वो आपकी टू डायमेंशनल एरे में स्टोर होगी। और एरे हैंडल करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी सी लाइब्रेरी है जिसका नाम है NumPy, जो कि आपकी OpenCV के साथ एसोसिएट होके चलती है पाइथन में। बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि अगर आप OpenCV इंस्टॉल करते हो और आपके सिस्टम में NumPy अवेलेबल नहीं है तो वो अपने आप से उसे इंस्टॉल कर देगा, बिकॉज वो प्रीरिक्विजिट है उसके लिए। मैंने आपको इमेजेस के बारे में काफी कुछ बता दिया दोस्तों, बट दो चीजें आप लोगों को और भी बताना चाहूंगा और वो आपको याद रखनी है। जो मेरी इमेजेस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है ग्रे स्केल इमेजेस और एक होती है कलर्ड इमेजेस। या फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? ग्रे स्केल इमेजेस, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ग्रे स्केल इमेजेस और कलर्ड इमेजेस। अब जो ग्रे स्केल इमेजेस होती है इसे हम सिंगल चैनल इमेज बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो मेरे पिक्सल की वैल्यू होती है वो बस इसी बात पे डिसाइडेड होती है कि वो कितने ब्राइट है या फिर कितने डार्क है। मतलब एक वैल्यू है जो कि ये डिसाइड करेगी कि ये कितने ब्राइट है और ये कितने डार्क है। और अगर बात करूँ कलर्ड इमेजेस में, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पास कितने कलर अवेलेबल है, 3 कलर्स अवेलेबल है, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इन्हीं कलर के बेसिस पे मेरे पिक्सल्स की वैल्यूज डिसाइड होती है, जिन पे मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकता हूँ। जो भी वैल्यू है सब बस इसी में है। तो जो कलरफुल इमेजेस होती है वो आपकी RGB इमेजेस कहलाती है, और जो आपकी नॉर्मल इमेजेस सिंगल चैनल इमेज है वो आपकी सिंपल ग्रे स्केल इमेजेस कहलाती है। और आप कलर्ड इमेजेस को 3 चैनल इमेजेस भी बोल सकते हो, बिकॉज उसमें मेरे पास 3 कलर है, तो आप उसे 3 चैनल इमेज भी बोल सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी बहुत बेसिक सी डिटेल्स थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने वो सारा पार्ट इस वीडियो में कवर कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। ये सारे के सारे बहुत बेसिक से टॉपिक है जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इस सीरीज में फर्दर प्रोसीड करने के लिए यार जो भी प्रीरिक्विजिट नॉलेज था वो मैं सारा का सारा इस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं।
तो यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उन्हें भी बताओ कि कंप्यूटर विजन या इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है, और थ्योरी की फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यार एक बार उसे भी पढ़ लेना। मैंने उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी लिखी है, और कमेंट में मैं यार आप लोगों से बस एक चीज पूछना चाहूंगा कि डीपीआई क्या होता है, वो भी इससे रिलेटेड है, तो यार मुझे कमेंट में जरूर बताना डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है और ये होता क्या है एक्चुअली में। तो यार मुझे पता है आप लोग जरूर बताओगे, और ये वीडियो जरूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसी तरह से बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट आप लोगों के लिए मैं बनाता रहूंगा। और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।